इसकी शुभकामनाएं आपको भी। आज सर लगभग एक हफ्ते से भी ज्यादा अंतराल के बाद स्वस्थ होके लौटे हैं और बड़ी चर्चाएं हैं मंत्रिमंडल गठन को लेकर, विधानसभा सेशन को लेकर, क्या कहेंगे, कब तक हो पाएगा? नहीं, स्वस्थ तो क्वारंटाइन के समय बिता कर बैठे एक हफ्ते से। मैं दिल्ली के हिमाचल सदर में पूरा अपना टाइम व्यतीत कर रहा था। पिछले कल मेरा कोरोना प्रोटोकॉल का जो समय था वो खत्म हुआ और मुझे तो पता तब लगा जब प्रधानमंत्री जी से मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी। हमारे रेजिडेंस कमिश्नर ने हमारा RT-PCR का टेस्ट लिया था और उन्होंने कहा कि आपको कोरोना हो गया है। तो मेरी उनसे प्रधानमंत्री से जिससे जो मिलने की कटसी कॉल थी वो भी नहीं हो पाई और फिर मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा और कल मेरे समय भी खत्म हुआ। सर, जिस तरह से सरकार ने पिछले 6 महीने के कामों को रिव्यू किया है उसके बाद से बीजेपी काफी आक्रामक है। आज विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं जयराम जी और राज्यपाल को भी एक ज्ञापन सौंपा है, मांग की गई है कि फिर से इनको बहाल किया जाए, बड़ा आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। इस पिछली जो सरकार थी जयराम जी की उसकी विडंबना देखिए, 4.5 साल तक ऑफिस खोलना, कहाँ खोलना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना, कहाँ खोलना, इस बारे में सोचा ही नहीं। और जब चुनावों का वक्त आया तो 590 संस्थान खोल दिए। इतने संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर PN के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? PN के द्वारा चलाए जा रहे थे। और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है, कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में, 590 संस्थानों में। जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि इन संस्थानों को जब खोला जाए तो उसके लिए 3,000 करोड़ रुपया की जरूरत है। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का बोझ है। आपने 3,000 करोड़ का प्रावधान करना था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, रिवाज बदलने की बात बोलते थे, आपने 3,000 करोड़ का इन संस्थानों को खोलने के लिए प्रावधान करना था। अब कोई मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन PN चलाएगा? कोई CSC एक डॉक्टर चलाएगा? ना एक्सरे की मशीन है, ना सिटी स्कैन की मशीन है आपकी, ठीक है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। आप संस्थान खोल के राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे थे, लेकिन लोगों ने उन संस्थानों खोलने के बाद भी, 590 संस्थान खोलने के बाद भी जनता ने आपको नकार दिया। मेरे विधायक दल की बैठक हुई, सभी 40 विधायक आए, 5 विधायकों की कमेटी बनी, हर्षवर्धन चौहान जी, संजय रतन जी, मोहनलाल ब्राक्टा जी, भवानी पठानिया जी और एक और विधायक थे, 5 के विधायक, सबने स्टडी किया, रिपोर्ट्स मंगाएगी कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो 25-30 हेल्थ सेंटर में कोई PN भी नहीं है, बाकी में कुछ जगह PN तो रखे उन्होंने। अब ठाकुर जयराम जी को अपने विधानसभा क्षेत्र में संस्थान खोलने थे, अच्छी बात थी, लास्ट के दिनों में खोलने की क्या जरूरत थी? आप वहां डॉक्टर भी लगाते, नर्स भी लगाते, कंपाउंडर भी लगाते, कोई नहीं लगाया। और अब जो SDM कार्यालय खोले उनकी नोटिफिकेशन हुई, SDM तक नहीं बिठाया। अब इन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए जो सत्ता में थे कि 590 संस्थान आपने खोले हैं, ये गुनाह किया है हिमाचल की जनता पर इन्होंने, हिमाचल की जनता पर 3,000 करोड़ रुपए का बोझ डालने का कार्य किया इन लोगों ने। हम जनता की अदालत में पूछेंगे कि जब कभी कोई संस्थान खोलना हो तो क्या उसमें कर्मचारी और अधिकारियों की जरूरत नहीं होते? क्या CSC खोलनी हो, PSC खोलनी हो, क्या उसमें डॉक्टर नहीं लगने चाहिए? उन्हीं CSC से, पुराने CSC से डॉक्टर उठाकर वहां लगा दिए गए और जो पुराने संस्थान चलते थे उनको भी कमजोर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। आंदोलन करने से पहले आंदोलन करिए, लोगों को ये जवाब दीजिए कि 590 संस्थान जो आपने खोले उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का आपने डबल इंजन की सरकार से 4.5 साल पहले क्यों प्रावधान नहीं किया गया? ये बात बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से जो संस्थान खोले जाते हैं अगली सरकार पर बोझ डालने के लिए, जो सरकार को खोले जाते हैं, हमने इसीलिए कहा है
हम सत्ता सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम उन संस्थानों को भी खोलेंगे, लेकिन पहले उसमें कर्मचारियों का सिलेक्शन करेंगे, नियुक्ति करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक सबसे बड़ी बात कही है कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। आपको बिल्कुल अपनाना चाहिए, हम तो चाहते हैं जल्दी कोर्ट जाए ताकि कोर्ट में हम बता सके ये नोटिफिकेशन है, कौन सा कर्मचारी की नियुक्ति कब हुई, कब सिलेक्शन हुई। एक भी इंटरव्यू तो इनसे होते नहीं है। अगर इन संस्थानों को खोलने के लिए आप तो सब पत्रकार बंधु है, जितने रिजल्ट SSB में फंसे हुए हैं, कोई रिजल्ट इनका पिछले पांच साल में नहीं आया, कोई इन्होंने नियुक्तियां नहीं की, तो संस्थान खोलने के लिए स्टाफ कहाँ था ये मुझे बताना चाहिए उन्हें। और आप करिए, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में हम तो खुद जनता की अदालत में जाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि कितना बड़ा धोखा आपने हिमाचल की जनता के साथ किया, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ किया। संस्थान खोल दिए, कर्मचारी है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, बजट में आपत्तियां हुई है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि सही मुहूर्त में शपथ समारोह नहीं हो पाया सरकार का और मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, तो ऐसे में अगर मिशन लोटस होता है तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं होगी। देखिए, जनता की भावनाएं और प्यार ही सही मुहूर्त होता है। जब जनता ने चुनाव करके भेज दिया तो सबसे सही मुहूर्त क्या होता है, जो जनता की भावनाएं है। रिज पर जो जन सलाब उमड़ा, भगवान भी उसमें आशीर्वाद देता है, ये तो सही मुहूर्त है। और हमने तो पिछले 20 दिन से, मैं तो खुद 7 दिन से क्वारंटाइन में, सारे विधायक घूम रहे। हिमाचल में कोई ऑपरेशन लोटस ना चल नहीं पाएगा ना चल सकता है। हिमाचल में सिर्फ काम वाले और सेवा भाव वाला लोटस चलेगा कि हम सब लोग काम और सेवा भाव से काम करें। सर, पेपर लीक का एक बड़ा खुलासा हुआ है इस बीच। दो बातें बोली कि जो मंत्रिमंडल के फैसले होते हैं वो मंत्रिमंडल ही निरस्त कर सकता है, और दूसरा, अभी विधायकों ने शपथ नहीं ली है तो कमेटी जो बनी है वो किस तरह से, 4.5 साल से 5 साल हमारे जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री जी ने अगर ऑर्डर किया वो मंत्रिमंडल की बैठक में आएंगे, ये उन्हें जानकारी मुझसे ज्यादा होगी। और आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री फैसला लेता है उसको जो मोहर मंत्रिमंडल में लगती है, विधायकों ने सिर्फ अनुमोदन किया, मेरे सामने लाया। सर, सेशन कब तक हो जाएगा और मंत्रिमंडल विस्तार कब तक उम्मीद करें? मंत्रिमंडल विस्तार भी करेंगे और सेशन भी करेंगे, आपका सहयोग भी लेंगे, आपको क्रिसमस की बहुत। सर, एक बात पर लीक मामला है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जब हमारे समय में पेपर लीक हुए थे तो हमने सीबीआई को दिया था, और क्या नई सरकार भी इस पूरी जांच के बाद सीबीआई को देगी? ये नहीं कि सरकार का पाया हुआ स्यापा है, ये मेरा नहीं है, ये स्यापा ही नहीं कि सरकार का पाया हुआ। कैसे, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों को बुलाया और कहा जब भी पेपर हो उस समय ये पेपर लीक गिरोह एक्टिव होगा। मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ, 25 तारीख को जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर था और वो ट्रैप में आ गए, और जिस जो उनका टाउट था वो कह रहा है कि मैं भी इसी प्रकार नौकरी लगा हूं। मैंने नहीं कहा, उसने कहा। तो बीजेपी की जो जयराम ठाकुर की सरकार पिछले 4-5 साल से थी उसमें यह धंधा चल रहा था। धंधा पकड़ में तब आया जब पुलिस भर्ती मामला हुआ और सिलेक्शन के बाद उस पे उसका भंडाफोड़ हुआ, इन्होंने तब वो बोला इसको कैंसिल किया। हमने तो पकड़ लिया पेपर होने से पहले, ये आपकी कारगुजारी है, ये आपकी करतूते है जिनको हम साफ कर रहे हैं। हम सत्ता में इसीलिए आया है कि इन कारगुजारियों को, इन करतूतों को साफ करें। हम सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। पिछले एग्जाम की भी इंक्वायरी करेंगे, 5 साल में हुए। देखिए, मैंने एक चीज, सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के बीच में मामला है। आज ही सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की पिछली कमेटी मिली, मैं उनसे फीडबैक लूंगा। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल में जो भी सीमेंट प्लांट है, हिमाचल के लोगों को, मेरी विभाग से बात हुई है, आने वाले समय में सीमेंट सस्ता मिलेगा। ये मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच है, वो आपसी सहमति बना रहे हैं। सरकार उस पर कानून व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखे हुए है और आपसी सहमति बनेगी, आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।